हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे? प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने के मेथड्स पढ़ रहे थे। जो लास्ट हमारे टू मेथड्स थे, दैट इज नेलिंग मेथड एंड एनुमरेटर मेथड, उनकी बेटा सक्सेस किस पर डिपेंड करती है बताई गई थी आपको क्वेश्चनरी पे। तो अब हमें क्या सीखना है कि जो क्वेश्चनरी है उसको ड्राफ्टिंग कैसे की जाए, ठीक है? तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो अच्छी क्वेश्चनरी होती है, गुड क्वेश्चनरी जो होती है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो किस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, ठीक है? तो टॉपिक इज ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनरी। जो क्वेश्चनरी है उसको कैसे ड्राफ्ट करना है। द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन टूल इज क्वेश्चनरी शेड्यूल फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। बेटा प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनरीज और जो शेड्यूल्स होती हैं वो मोस्ट कॉमन टूल्स होते हैं, मोस्ट पॉपुलर टूल्स होते हैं, ठीक है? तो फॉलोइंग आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनरी। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स समझाए गए हैं जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनरी को ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज कवरिंग लेटर। देखो, द पर्सन कंडक्टिंग द सर्वे, वो पर्सन जो सर्वे को कंडक्ट कर रहा है कौन होता है बेटा? वो इन्वेस्टिगेटर। द पर्सन कंडक्टिंग द सर्वे मस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड मेक द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी क्लियर टू द इन्फॉर्मेंट्स। बेटा जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? जिनसे इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो क्या होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए किसके सामने? इन्फॉर्मेंट्स के सामने। इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेंट्स के सामने जो भी उसका इंक्वायरी का जो ऑब्जेक्ट है, जो भी एम है, उसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए। अ पर्सनल लेटर कैन बी इनक्लोज्ड इंडिकेटिंग द पर्पजेस एंड एम्स ऑफ द इंक्वायरी। क्या होना चाहिए, कोई भी पर्सनल लेटर वो क्वेश्चनरी के साथ अटैच कर सकता है। कौन? इन्वेस्टिगेटर, जिसमें क्या लिखा होगा, जो भी इंक्वायरी है उसके पर्पज लिखे होंगे और उसका एम लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस। बेटा इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं ना, इन्फॉर्मेंट्स, उनको ना कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ही शुड बी एश्योर्ड दैट हिज आंसर्स विल बी कैप्ट कॉन्फिडेंशियल। बेटा जो इन्फॉर्मेंट्स है उसको हमें एश्योर करना पड़ेगा कि उसके द्वारा जो आंसर दिए जाएंगे वो सीक्रेट रखे जाएंगे, किसी के सामने वो बताए नहीं जाएंगे। एंड ही विल बी नॉट बी सॉलिसाइटेड आफ्टर ही फिल्स अप द क्वेश्चनरी। और जब उसने एक बार क्वेश्चनरी को फिल करके भेज दिया है तो दोबारा उससे उस प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी, उससे रिलेटेड कोई भी अगेन कोई ऐसी डिमांड नहीं की जाएगी, ठीक है? तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एंश्योर करना पड़ेगा कि जो उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, और उसको बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि बार बार उससे क्वेश्चन रीज वगैरह फिल कराई जाएंगी। नेक्स्ट है, अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप शुड बी एनक्लोज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द इंफॉर्मेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनरी। अब क्या होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको एक एनवलप किसके साथ, क्वेश्चनरी के साथ अटैच कर देना चाहिए विद स्टैम्प्स। जो स्टैम्प्स लगनी है वो स्टैम्प अटैच उसके साथ अटैच करके, और उसके ऊपर इंफॉर्मेंट्स को क्या करना चाहिए, सेल्फ एड्रेस क्या कर देना चाहिए, मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है? और ताकि वो क्या कर सके, जो इन्फॉर्मेंट है ना वो क्वेश्चनरी को इजीली रिटर्न कर सके किसको, इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है? तो ये पॉइंट था आपका कवरिंग द लेटर, ठीक है? एक बार दोबारा से रिवाइज करते, हमने क्या कहा, द पर्सन कंडक्टिंग द सर्वे
कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड मेक द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी क्लियर टू द इन्फॉर्मेंट्स. इन्फॉर्मेंट्स को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनसे ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्यों पूछे जा रहे हैं. तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेंट्स के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हम ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, हम आपसे क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं या फिर आपसे जो क्वेश्चन रिफिल कराई जा रही है उसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेंट्स के सामने. नेक्स्ट बेटा, इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चनरी के साथ एक पर्सनल लेटर अटैच कर देना चाहिए जिसमें वो इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी उसका पर्पज है, जो भी उसके एम है, उनको वो डिफाइन कर सके ताकि जो इन्फॉर्मेंट है वो कॉन्फिडेंस में आ जाए. ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इन्फॉर्मेंट को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उसको ये एश्योर भी करना पड़ेगा कि उसके द्वारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाएंगी और उससे दोबारा इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा उससे. ठीक है, और क्या करना चाहिए, जो एनवलप, एक एनवलप दे देना चाहिए जिसमें क्या रहेगा, जो इन्वेस्टिगेटर है उसका सेल्फ एड्रेस और जो नीडेड स्टैम्प जो है स्टैम्प उसके साथ अटैच कर देनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेंट जो है उसको कन्वीनियंस रहे, ताकि वो इजीली क्वेश्चनरी को रिटर्न कर सके. किसको? इन्वेस्टिगेटर को. ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट कवरिंग अ लेटर. ओके, नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एज यू नो वेरी वेल, इन्फॉर्मेंट्स जो है भाई वो उसमें प्रोफेशनल तो है नहीं कि उसको हैबिट है कि वो कंटिन्यू बार बार क्वेश्चनरीज को भरता रहेगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे तो क्या रहेगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा. इसलिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो लिमिटेड होने चाहिए. तो क्या कहा गया है, नॉर्मली 15 to 25 क्वेश्चंस आर सफिशियंट इनफ फॉर मेकिंग द रिक्वायर्ड इंक्वायरी. अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए सफिशियंट रहता है कि आपके 15 से 25 क्वेश्चंस आपकी क्वेश्चनरी में रहे. अगर इससे ज्यादा रहेंगे तो नॉर्मली जो इन्फॉर्मेंट है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है, लेंथी क्वेश्चन शुड बी प्रिफरेबल बी डिवाइड इनटू पार्ट्स. जो लेंथी क्वेश्चन है उनको ऐसी प्रेफरेंस दी जानी चाहिए कि उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए. ठीक है, और इररिलेवेंट क्वेश्चन शुड बी एलिमिनेटेड. जो भी जो जरूरत ही नहीं है जिन क्वेश्चंस को पूछने की, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, उनको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. द क्वेश्चनरी शुड नॉट बी टू लॉन्ग टू अनेबल द रेस्पोंडेंट. ऐसी क्वेश्चनरी जो है वो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेंट्स है वो उसको फिल करने में अपने आप को सक्षम महसूस ना करे, मतलब वो कर ना पाए वो काम. ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को अनेबल महसूस ना करे, वो एबल महसूस करे कि हाँ हम कर सकते हैं. इतने इस तरीके से क्वेश्चनरी का फॉर्मेट होना चाहिए. टू आंसर क्विकली क्रैकली एंड क्लियरली, मतलब ऐसी क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करना करा जाना चाहिए जिससे क्या रहे, वो आंसर को क्विकली आंसर कर सके, तुरंत आंसर कर सके, करेक्टली आंसर कर सके और क्लियरली आंसर कर सके. ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमने क्या बताया, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 15 to 25 क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, लेंथी क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इररिलेवेंट क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, और क्वेश्चनरी इस तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए ताकि जो रेस्पोंडेंट है और वी कैन से इन्फॉर्मेंट है वो इजीली आंसर कर पाए. ओके, नेक्स्ट वन इज पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड. बेटा हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस क्वेश्चनरी में पर्सनल क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाना चाहिए. ठीक है, पर्सनल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड. द इन्फॉर्मेंट मे नॉट डिजायर टू आंसर सच क्वेश्चन विच मे डिस्क्लोज हिज कॉन्फिडेंशियल. बेटा कोई भी अपने सीक्रेट्स को नहीं बताना चाहता किसी को भी, इसलिए जो इन्फॉर्मेंट है वो सीधी सी बात है कि वो उन क्वेश्चंस को फिल नहीं करेगा, कोई भी अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता. तो इसमें क्या होता है, हमें पर्सनल क्वेश्चंस जो है वो अवॉइड करने चाहिए. प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कोई भी पर्सन अपनी
किसी को नहीं देना चाहता. क्वेश्चंस अफेक्टिंग द सेंटीमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेंट शुड नॉट बी आस्क्ड. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो किसी की जो भी अपनी पर्सनल लाइफ उससे रिलेटेड हो. तो हमेशा पर्सनल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए. जब हम क्वेश्चन पेपर को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि हम पर्सनल क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चंस शुड बी सिंपल एंड क्लियर. बेटा जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारी क्वेश्चनरी में वो क्या रहेंगे, एक तो सिंपल होने चाहिए और एक क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए. तो क्या कहा, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. एक तो जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो इजी होनी चाहिए. इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर. क्या होनी चाहिए, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए. द क्वेश्चन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम जर्नल क्वेश्चन. क्या होने चाहिए बेटा, जर्नल क्वेश्चन से शुरू, जर्नल जो क्वेश्चन होते हैं उनसे क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चंस शुड बी अरेंज्ड लॉजिकली. जो क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा उनको लॉजिकली अरेंज करा जाना चाहिए. ठीक है, क्या कहा, देखो द क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं ना उस वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. इट इज नॉट लॉजिकल टू आस्क अ मैन हिज इनकम बिफोर आस्किंग हिम वेदर ही इज एम्प्लॉयड और नॉट. भाई हम किसी आदमी से ये पूछे, किसी पर्सन से अगर हम ये पूछे कि आपकी इनकम कितनी है तो शायद उससे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि आप करते क्या हो, है ना. पहले हम ये पूछेंगे आप करते क्या हो, फिर उसके बाद में उसकी इनकम का मेजरमेंट करेंगे. तो हमने क्या कहा, द क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली. क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, लॉजिकली अरेंज होने चाहिए. द क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. इट इज नॉट लॉजिकल टू आस्क अ पर्सन his income before asking him whether he is employed or not. Next है बेटा instructions to the informants. क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, informants जो हैं उनको instruction देंगे, है ना. तो क्या करेंगे, डेफिनेट instructions for filling the questionnaire should be given. बेटा जो भी questionnaire से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देने चाहिए इन्वेस्टिगेटर को. इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हेन एंड वेयर टू रिटर्न द क्वेश्चनरी. इंस्ट्रक्शन अबाउट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी गिवन, है ना. तो हमें जो क्वेश्चनरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि क्वेश्चनरी को कब तक भर के कहाँ पे रिटर्न करना है वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियरली गिवन होनी चाहिए. और प्लस कोई भी अगर यूनिट का मेजरमेंट है तो वो यूनिट गिवन होनी चाहिए कि जो यूनिट्स जो रहेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो यूनिट्स रहेंगी वो सिमिलर होनी चाहिए. तो बता देनी चाहिए कि यूनिट्स जो रहेंगी वो किस टाइप से रहनी है. ठीक है, तो ये था आपका इंस्ट्रक्शंस टू द इंफॉर्मेशन. जब भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमें प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन कर देना चाहिए एज ए इन्वेस्टिगेटर, ताकि इन्फॉर्मेंट को क्या रहे, सुविधा रहे, ताकि वो प्रॉपरली उस क्वेश्चनरी को फिल कर सके. ओके, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस मे बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अंडर डिफरेंट हेड्स एंड सब हेड्स शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट एंड द इन्वेस्टिगेटर. बेटा जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रॉपरली डिवाइडेड और सब डिवाइडेड होने चाहिए. ठीक है, और क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हेड्स सब हेड्स के अंडर हो सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पूछे जाने चाहिए. जैसे आपका एग्जाम होता है उसमें आप क्या, आपके टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्शन ए दे देते हैं, सेक्शन बी दे दिया, सेक्शन सी, सेक्शन डी दे दिया. ठीक है, एक कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है या फिर सेम सेम मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एक पर्टिकुलर एक हेड के अंडर डाल दिए. ठीक है, और नेक्स्ट जो जो भी रिलेटेड जो सेम सेम इंफॉर्मेशन है उसको सेकंड सब हेड के नीचे डाल दिया. तो ये क्या होता है, जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली डिवाइडेड होने चाहिए, सब डिवाइडेड होने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट हेड और सब हेड होने चाहिए, ताकि क्या रहे, इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों के लिए क्या रहेगा, फिर वो सुविधाजनक रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा. ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए क्वेश्चनरी में, ठीक है। तो ये कहा गया है कि क्वेश्चन शुड बी कैपेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव आंसर, क्या होने चाहिए, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, दे शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे दैट द आंसर आर ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉर दिस इन्फॉर्मेंट शुड बी एबल टू गिव द आंसर सिंपली बाई यूजिंग टिक मार्क इन द ब्लैंक स्पेस। क्या होता है बेटा, अगर MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तो उससे क्या रहेगा, जो इन्फॉर्मेंट है उसको लिख क्या रहेगा, उसको सुविधा हो जाएगी, वो इजिली क्या करेगा, आंसर्स को उसको देखना है और जो भी उसको रिलेटेड आंसर जो उसको सही लगता है उसको क्या कर देगा, टिक कर देगा जो भी ब्लैंक स्पेस रहेगी उस पे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए, क्वेश्चन ये दे दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यू यूज मोस्ट फॉर राइटिंग, आप कौन सी ऐसी लैंग्वेज हो जो राइटिंग में ज्यादा यूज करते हो, तो ऑप्शन दे दिए इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, एनी अदर, तो क्या करेगा, जो भी उसको लैंग्वेज पे कमांड है उसको टिक कर देगा साइड में जो स्पेस है उस पे। तो क्या होते हैं, जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनको आंसर करना जो है वो इजी हो जाता है इन्फॉर्मेंट के लिए। तो क्वेश्चनरी जो है उसकी ड्राफ्टिंग करते समय हम एमसीक्यूज को भी इंक्लूड करेंगे, ओके। नेक्स्ट है बेटा सिंपल अट्रैक्टिव क्वेश्चंस, क्या होने चाहिए, जो क्वेश्चनरी में क्वेश्चन होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए और अल्टरनेटिव होने चाहिए, ठीक है, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। देखो क्या कहा गया है, एज फार एज पॉसिबल द क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे दैट दे आर आंसरेबल इन यस नो और राइट रॉन्ग, मतलब क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जस्ट बस इतना आंसर देना है यस या फिर नो में या फिर राइट और रॉन्ग में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाए आर यू मैरिड, सामने जो भी इंफॉर्मेंट्स है उनसे, या पूछा जाए आर यू एम्प्लॉयड, तो जो भी सामने वाला है अगर वो मैरिड होगा तो उसको आंसर यस में देना है, नहीं होगा तो नो में देना है। तो क्या होने चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल इजी रहे और अल्टरनेट उसके दिए जाने चाहिए ताकि जस्ट उसको क्या करना है, टिक मार्क करना है, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होते हैं ना वो भी हमें क्या करना चाहिए, उनको भी प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए। तो हमने कहा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, द क्वेश्चन भी शुड स्टार्ट फ्रॉम जर्नल क्वेश्चन, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, जर्नल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, वी गेट स्पेसिफिक आंसर टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आर सिंपल एंड डायरेक्ट, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे, डायरेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जाए इन विच क्लास डू यू रीड, तो इजिली आंसर कर सकता है इन्फॉर्मेंट, या फिर ये पूछा जाए इन विच सब्जेक्ट यू आर मोर इंटरेस्टेड, ठीक है, तो इजिली वो आंसर कर पाएगा। ये जो क्वेश्चन होते क्या होते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा ओपन क्वेश्चन, क्वेश्चनरी में कुछ क्वेश्चन ओपन भी होने चाहिए। अभी ओपन क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो इट मेक्स द इन्फॉर्मेंट फ्री टू गिव एनी रिप्लाई टू चूजेस, मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप फ्री हो, जो आपको ठीक लगता है आप ऐसे आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। इसमें क्या गया है, सच क्वेश्चन शुड बी मिनिमम इन नंबर इन द क्वेश्चनरी, लेकिन क्या होना चाहिए, ओपन क्वेश्चंस होने चाहिए लेकिन इतने भी नहीं होने चाहिए कि अदर क्वेश्चंस के लिए स्पेस ही ना रहे, तो लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूछा जाए बच्चों से कि सजेस्ट द मेजर टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर ये पूछा जाए कि जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी DU जो है उसमें पुअर पीपल पुअर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो ये क्या रहेगा बेटा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, अपने अपने व्यू हो सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन क्वेश्चन, जिनमें आंसर जो है हर किसी पर्सन से डिफरेंट सुनने को मिलेगा, ठीक है। इनकी इनकी जो नंबरिंग है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए क्वेश्चनरी में। नेक्स्ट वन इज बेटा द क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉइंट अंडर द इंक्वायरी फॉर विच डाटा इज बीइंग कलेक्टेड, बेटा जो भी हम क्वेश्चंस क्वेश्चनरी में पूछ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए हमारी इंक्वायरी के पर्पज से, जिस पर्पज से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसी पर्पज से डायरेक्ट रिलेटेड होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अट्रैक्टिव लेआउट, द क्वेश्चनरी जो है बेटा उसको एक अच्छे से अट्रैक्टिव लुक में
बनाना चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी फील करते हुए अच्छा फील हो, उसको भरते हुए उसको आंसर को फील करते हो उसको अच्छा फील होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव लेआउट होना चाहिए। अट्रैक्टिव लेआउट में क्या है, द क्वेश्चन री शुड बी मेड टू लुक्स एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल। क्वेश्चन री जो है जितनी अट्रैक्टिव हो सकती है उतना अट्रैक्टिव उसको बनाना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेंट जो उनका प्रॉपरली इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन। बेटे जो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल नो क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड व्हिच रिक्वायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक परसेंटेज रेशियो। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए क्वेश्चन री में जिनमें क्या होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, इससे क्या होगा जो इन्फॉर्मेंट्स इलिटरेट है वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट होते हैं बेटा क्रॉस चेक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिनमें क्रॉस वेरिफिकेशन हो उसके। ठीक है, तो क्या कहा गया, सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड विद द हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि जो इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है या फिर रॉन्ग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा गया क्वेश्चन ऑन एज, एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, तो उससे क्या होगा क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी जो एज है वो सही बताई है नहीं बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होना चाहिए क्वेश्चन भी में क्रॉस चेकिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है बेटा प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनरी। ठीक है, जो क्वेश्चनरी है बेटा उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, पोलाइट सर्वे कर लेना चाहिए बिफोर टेकिंग द इंक्वायरी ऑन द लार्ज स्केल ऑफ क्वेश्चनरी। जो भी क्वेश्चनरी है उसको एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने से पहले ड्राफ्टेड शुड बी प्री टेस्टेड। जो भी हमने क्वेश्चनरी को ड्राफ्ट किया है वो प्री टेस्टेड होनी चाहिए विद अ स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उनसे हम क्वेश्चन करके देखेंगे, अगर वो इजिली आंसर कर पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके वो आंसर नहीं कर पा रहे तो वी शुड चेंज दीज क्वेश्चन। ओके, ताकि हम अपना सक्सेसफुली जो भी हमारा ऑपरेशन है जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पज है उसको हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके गुड क्वेश्चनरी के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप था आपका कवरिंग लेटर, जो आपकी क्वेश्चनरी है वो कवरिंग लेटर में होनी चाहिए प्रॉपरली। आपको आप इन्वेस्टिगेट जो इन्फॉर्मेंट है उसको सेल्फ एड्रेस स्टैम्प इनवेलप वगैरह सब कुछ देंगे और उसको प्रॉपरली एंश्योर करेंगे कि उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आप क्या रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए इन्फॉर्मेंट्स को। क्वेश्चंस जो है वो डिवाइडेड सब डिवाइडेड अंडर डिफरेंट हेड एंड सब हेड होने चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होने चाहिए, सिंपल अट्रैक्टिव क्वेश्चन भी होने चाहिए क्वेश्चनरी में। ठीक है, और हमने कहा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस ओपन क्वेश्चन भी होने चाहिए। ठीक है, और हमने क्या बताया था, नेक्स्ट हमने बताया था कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो। क्वेश्चनरी का जो है अट्रैक्टिव लेआउट होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्रॉस चेकिंग से रिलेटेड भी होने चाहिए और उसकी प्री टेस्टिंग की जानी चाहिए। ठीक है बेटा, ये थे आपके गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनरी की गुड क्वालिटीज। ठीक है, तो इसको आप कवर करेंगे प्रॉपरली, नोट्स मेंटेन करेंगे, अच्छे से इसको क्लियर करेंगे सभी टॉपिक्स को। ठीक है, ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि एनुमरेटर मेथड जो है और जो हमारा मेलिंग मेथड है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि क्वेश्चनरी कितनी अच्छी है। तो दीज आर द गाइडलाइन टू ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनरी। ओके, थैंक्स।